एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त डेली न्यूज झारखंड पर। केतार से हमारे संवाददाता रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। ट्रैक्टर की चपेट में आने से मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड पर। केतार प्रखंड क्षेत्र के केतार कांडी भोनातुर मुख्य पथ पर ईंट लदे ट्रैक्टर के धक्के से 4 वर्षीय मासूम बच्ची शिवानी कुमारी पिता उपेंद्र नाम की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड पर। उस बच्ची के सिर के अगले हिस्सा फट जाने से गोद निकल गया। बताते चले कि शिवानी कुमारी सड़क पर जा रही थी, तभी कांडी की ओर से ईट लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड पर, और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना देख लोग आक्रोशित होकर चालक को बांध कर रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड पर। अनशन पर बैठकर केतार कांडी भोनातुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड पर। घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी संतोष कुमार अपने दल बल के साथ पहुंचकर चालक और ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। मृतक के परिजनों एवं लोगों को जाम हटाने को कहा, परंतु जाम हटाने में नाकामयाब हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड पर। इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश बछुआ को दे दी गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मृतक के परिजनों को समझाने लगे हैं। मृतक के परिजन ट्रैक्टर मालिक को घटना स्थल पर बुलाने एवं मुआवजे की मांग पर अड़े रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड पर। समाचार लिखे जाने तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मौके पर केतार मुखिया प्रमोद कुमार, बलीगढ़ मुखिया प्रतिनिधि मनोरंजन गुप्ता, मुकुंदपुर मुखिया मुंगा साथ समाज सेवी पंकज सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड पर। 4 वर्षीय बच्ची की ट्रैक्टर के चपेट में आने से ऑन द स्पॉट घटना स्थल पर ही मृत्यु, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड पर।